हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पथरी के बारे में। और इससे बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं, बहुत से लोग पथरी से ग्रसित रहते हैं। तो वो लोग जो पथरी से परेशान हैं, जिनको 10 mm के ऊपर है या 10 mm के अंदर है, तो अक्सर क्या होता है कि अगर ये कहीं अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन कराओ। लेकिन पथरी का जो है ऑपरेशन भी सक्सेस कहीं कहीं नहीं होता है। अगर आप ऑपरेशन करा भी लेते हैं तो अच्छे से 2-3-4 साल तक चलता है, उसके बाद से फिर आपको पथरी होने लगती है। तो पथरी का मेन जो कारण होता है दोस्तों, हमारे खाने पीने के ऊपर होता है, या वो चीज़ जो हमारा गुर्दा प्योरीफाई नहीं कर पाता है और बराबर से उसको नहीं निकाल पाता है, और फिर वो आके मसाने में अटक जाता है और धीरे धीरे पथरी का रूप लेने लगता है। तो ये के भी कारण हो सकता है कि हम अपने खाने पीने पर या चिकनाहट चीज़ों पर या डाइटिंग पर अच्छा खासा ध्यान नहीं दे पाते, जो हमें मिलता खाते रहते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर पेशाब के अंदर आपको जो है यूरिक एसिड निकलता हो या कैल्शियम निकलता हो, तो आपको पथरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो लोग जो पथरी से पीड़ित हैं या पथरी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या पथरी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे इधर उधर और उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो वो लोग जो जिनको जो है 10 mm के ऊपर है, तो वो लोग इस नुस्खे को कम से कम इसको 40 दिन यूज करें, और जिनका पथरी जो है 10 mm के अंदर है, तो वो लोग इसको कम से कम 21 दिन यूज करना है। तो जिसको जो है 10 mm के ऊपर है वो 40 दिन तक यूज करें, और जिसको जो है जिसका पथरी जो है 10 mm के कम है, तो वो जो है इसको कम से कम 21 दिन तक यूज करना है। तो इसको जो मैं आप लोगों को नुस्खा बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी के दुकान से परचेस करना है, और सारी चीज़ें आपको अक्खा लेके आना है, ठीक है। पाउडर अगर वो देते हैं तो आप पाउडर बिल्कुल ना लें, क्योंकि पाउडर में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, और अगर आप उसको लेके भी आते हो, यूज भी करते हो, तो फिर आप कमेंट करोगे कि मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप अक्खा ही लेके आए। तो इसको बनाने के लिए आपको पंसारी के दुकान से जो है लेना है हजरल यहूद एक पत्थर होता है, इसको आपको लेना है 20 ग्राम, और इसी के साथ में आपको लेना है संग सरमाही, ये भी एक पत्थर टाइप का है, ये भी आपको लेना है 20 ग्राम। संग सरमाही जो है मछली के जो है माइंड से पैदा है, और वो भी पत्थर जो है वो भी समंदर से निकलता है, सीप से निकलता है वो भी। तो आपको हजरल यहूद जो है 20 ग्राम और संग सरमाही 20 ग्राम, और इसी के साथ में आपको केले का बीज आपको लेना है 50 ग्राम, ठीक है। केले का बीज आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, तो केले का बीज आपको 50 ग्राम लेना है, और हजरे लहूद 20 ग्राम लेना है, और संसरमाही 20 ग्राम लेना है। नुस्खा बहुत ही कारगर है, एक बार अगर आप इसको बना लोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो आपको, अगर आपकी पथरी 10 mm के अंदर में है तो 21 दिन के अंदर अंदर गल जाएगी, और अगर ऊपर है तो कम से कम 40 दिन के अंदर आपको पथरी गल जाएगी, निकल जाएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा, और वो बारीक बारीक टुकड़ों में निकल जाएगी आसानी से, ठीक है। 20 ग्राम संसरमाही, 20 ग्राम हजरे लहूद, और 50 ग्राम केले का बीज, ठीक है। केले का बीज आता है, आपको उसको पथरी की दुकान से लेना है। अब करना क्या है कि संसरमाही 20 ग्राम और 20 ग्राम हजरे लहूद इसको अलग रख देना है, 50 ग्राम केले का बीज जो है उसको आपको फोड़ना है, उसको तोड़ना है, और उसके अंदर से आपको गूदा निकाल लेना है। 50 ग्राम जब आप केले का बीज लेके आओगे तो आपको 15 से 16 ग्राम तक बीज उसके अंदर जो गूदा होता है वो निकल जाएगा, ठीक है। 15 ग्राम की जरूरत है, 15 ग्राम तक आपका मिनिमम उसके अंदर निकलेगा, 16-17 ग्राम तक निकलेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो 50 ग्राम केले के बीज को लेके आना है, और उसको जो है फोड़ना है, उसके अंदर से गूदा निकालना है। जब गूदा निकल आया, बस तीनों को एक में करके पाउडर कर लेना है, हजरे लहूद, संगसरमाही, केला, बीज का जो है दाना, वो तीनों चीजों में रख के जब मगज निकल आएगा उसको उसी में रख के पाउडर कर लेना है, ठीक है। पाउडर आपका बन जाएगा, पाउडर को छान लीजिए, जो बचता वापस से पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, फटाफट पाउडर हो जाएगा, तो आप आसानी से उसको पाउडर कर लीजिए। अगर आप चाहो तो ग्लैंडर भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको आसानी से पाउडर कर लीजिए। अब इसको यूज किस तरह से करना है, सबसे पहले कि जिनको पथरी है वो जो है बीज वाले आइटम से परहेज करें, जैसे भिंडी है, तरोई है, बैंगन है, ये जिसके अंदर बीज पाया जाता है उससे, और टमाटर है, इस सारी चीज़ों से परहेज, इन सारी चीज़ों से परहेज करें, ठीक है। खाना अच्छा खाएं, जैसे कुंबड़ा है जैसे उसके अंदर बीज नहीं रहता है, लौकी है तो उसका बीज निकाल के बना लें, बहुत सारे ऐसे फल सब्जियां आती हैं जो बगैर बीज की होती हैं, दाल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, ये सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बीज वाले आइटम आपको बंद कर देना है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और इस पाउडर को आपको रेगुलर जो है सुबह शाम 1-1 ग्राम किस तरह से यूज करना है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है, कम से कम 100 ग्राम पानी होना चाहिए, और उसके अंदर आपको 2 ग्राम इस पाउडर को डालना है और मिला लेना है, 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ग्राम पाउडर लेना है, उसके अंदर मिला के उसको पी लेना है सुबह में, शाम में इस तरह, यानी आपको रेगुलर सुबह शाम 2-2 ग्राम इस पाउडर को पानी में डाल के यूज करना है। तो जिसको जो है 10 mm के अंदर है उसको 21 दिन यूज करना है, और जिसको 10 mm के ऊपर है उसको कम से कम 40 दिन यूज करना है। और पथरी कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, सारी पथरी आपकी निकल जाएंगी।
तो पथरी के लिए बहुत बेहतरीन फार्मूला है, इसको आसानी से बना के यूज कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है, तो इसको आप आसानी से बना के यूज कर सकते हैं, खासकर पथरी वाले लोगों के लिए तो फार्मूला बहुत ही खास है, तो आप इसको आसानी से बना के यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पसंद होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे